थाना सदर पलवल में परचून माल सहित ट्रक डकैती मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को 13 वर्ष बाद डिटेक्टिव स्टाफ पलवल ने एक देसी कट्टा एवं एक कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। डकैती के मामले में 13 वर्ष से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को डिटेक्टिव पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बता दें, वर्ष 2009 के इस डकैती मामले में पलवल पुलिस द्वारा 50,000 के इनामी बदमाश अलीम एवं 25,000 के घोषित बदमाश रमेश सहित 5 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। डीएसपी विजयपाल सिंह ने बताया कि राजेश दुग्गल आईपीएस पुलिस अधीक्षक पलवल के कुशल नेतृत्व में पलवल पुलिस द्वारा वांछित एवं इनामी बदमाश धरपकड़ का अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी के अंतर्गत डिटेक्टिव स्टाफ पलवल प्रभारी उप निरीक्षक सुरेश कुमार की टीम ने पुलिस लाइन पलवल के सामने से एक अवैध देसी कट्टा लिए हुए सवारी के इंतजार में टी पॉइंट शुगर मिल के सामने से आरोपी को अवैध हथियार से धर दबोचने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान नरेश पुत्र पूरण सिंह निवासी गुदराणा थाना मुंडकटी जिला पलवल के रूप में हुई। डीएसपी ने बताया कि आरोपी का जब आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया तो आरोपी थाना सदर पलवल में वर्ष 2009 के डकैती मामले में 25,000 रुपए का इनामी घोषित बदमाश होना पाया गया। आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 17 मार्च 2009 को थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत वारदात में प्रयुक्त गाड़ी बलैरो में लाल बत्ती लगाकर परचून से लदे एक ट्रक को लूटा था तथा ट्रक के चालक एवं परिचालक को गांव कोंडल के जंगलों में हाथ पैर बांध कर फेंक दिया था। इस मामले में ट्रक चालक चंद्रिका प्रसाद निवासी जिला छपरा बिहार की शिकायत पर डकैती की धारा 395 आईपीसी के तहत थाना सदर पलवल में मामला दर्ज था। इसके अलावा आरोपी नरेश पुत्र पूर्ण सिंह पर वर्ष 2009 में गांव गुदराणा निवासी प्रकाश की 85 लाख रुपए लूट एवं हत्या की संगीन वारदात का भी मामला दर्ज है। श्री राजेश कुमार दुग्गल जी आईपीएस के आदेशानुसार डिटेक्टिव स्टाफ के इंचार्ज श्री नरेश कुमार जी सुरेश कुमार जी द्वारा 25,000 का इनामी बदमाश नरेश चनोपूर्ण गांव गुदराणा को मुकदमा नंबर 83/2009 अंडर सेक्शन 195 के अंदर गिरफ्तार किया गया है और आज इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इस आदमी से एक देसी कट्टा और राउंड बरामद किए गए हैं। तफ्तीश इसकी जारी है।